एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। किडनीज और हार्ट को नुकसान हो सकता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। मल्टीविटामिन्स तो ले रहे हो, लेकिन क्या आप उसे सही तरीके से ले रहे हो? आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना सबसे जरूरी है, और इसी वजह से मल्टीविटामिन्स बहुत पॉपुलर हो गए, स्पेशली अर्बन इंडिया में। एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। ये इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए मल्टीविटामिन एक इजी सॉल्यूशन लगते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि मल्टीविटामिन्स लेते वक्त बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आपके हेल्थ गोल्स को इम्पैक्ट कर सकती है? आज हम बात करेंगे उन कॉमन गलतियों के बारे में और उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है गलत टाइम पे मल्टीविटामिन लेना। हमें लगता है कि मल्टीविटामिन्स कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। फैट सेल्यूबल विटामिन्स जैसे ए, डी, ई एंड के का बेस्ट अब्सॉर्प्शन तब होता है जब आप उन्हें मील्स के साथ लेते हो, स्पेशली जब खाने में हेल्दी फैट हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हो जिसमें नट्स और दही जैसे हेल्दी फैट्स प्रेजेंट हो, तो ये विटामिन्स का ऑप्शन बेटर होगा। और अगर आप इन विटामिन्स को बिना खाना खाए लेते हो तो आपकी बॉडी उन्हें प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, और इस गलती से आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि एक टैबलेट लेने से फायदा हो रहा है तो दो टैबलेट लेने से फायदा ज्यादा होगा। ये सोच कॉमन है लेकिन डेंजरस भी। हर मल्टीविटामिन का एक स्पेसिफिक डोज होता है जो फॉलो करना चाहिए। जब आपको डेफिशिएंसी नहीं होती और आप ज्यादा विटामिन्स लेते हो तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, जो बॉडी में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा विटामिन डी लेने से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, जिससे किडनीज और हार्ट को नुकसान हो सकता है। विटामिन ए के ओवरडोज से लिवर डैमेज हो सकता है, तो डोजेज को हमेशा केयरफुली फॉलो करें। सबकी डाइटरी नीड्स अलग होती है और एक ही मल्टीविटामिन फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको शायद B12 और आयरन की जरूरत हो। अगर आप मीट कंज्यूम करते हो तो ये न्यूट्रिएंट्स पहले से ही आपके डाइट में हो सकते हैं। सिमिलरली, विमेन के लाइफ के डिफरेंट फेजेस में अलग अलग मल्टीविटामिन्स की जरूरत होती है। एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रीन्स है तो आपको हाई डोज मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डाइट जंक फूड से फिल्ड हो तो आपको मल्टीविटामिन के थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी की जरूरत पड़ सकती है। मल्टीविटामिन्स कुछ मेडिकेशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं जिससे या तो आपके मेडिकेशन का इफेक्ट कम हो सकता है या एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो और विटामिन के भी ले रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस के साथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेना आपके ब्लड प्रेशर को और भी बढ़ा सकता है। तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग एनी मल्टीविटामिन। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीविटामिन एक मैजिक पिल है जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। मल्टीविटामिन्स एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मल्टीविटामिन लेके आप अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का बैलेंस बना सकते हो तो ये गलत सोच है। हम सब बिजी है और हमारे फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशनल गैप्स होना कॉमन है। ये गैप्स तब होते हैं जब हम अपनी डाइट से वो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले पाते जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हो तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस की वजह से ये गैप्स और बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो लेकिन फिर भी आपके एनर्जी लेवल्स कम है, तो आपके बॉडी में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे B12, सी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। यही वो गैप्स है जो मल्टीविटामिन्स फिल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन्स एज अ सप्लीमेंट आपकी डाइट में जो कमी होती है वो न्यूट्रिएंट्स पूरा करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट तब मिलता है जब आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दो। तो मल्टीविटामिन लेने का सही टाइम क्या है? सुबह, रात को या पोस्ट लंच? ये कंफ्यूजन कॉमन है, लेकिन इसका जवाब आपकी पर्सनल नीड्स और स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर आपको दिन की शुरुआत में एनर्जी चाहिए तो सुबह के वक्त मल्टीविटामिन लेना बेनिफिशियल हो सकता है। स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रोडक्शन को एनहांस करता है, लेकिन मल्टीविटामिन्स को ब्रेकफास्ट के साथ लेना जरूरी है क्योंकि तभी ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं। कुछ लोग रात को मल्टीविटामिन्स लेते हैं क्योंकि उस वक्त बॉडी रिपेयर मोड में होती है। न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी और मैग्नीशियम बॉडी के रिपेयर और रिकवरी में हेल्प करते हैं। अगर आपको स्लीप इश्यूज है तो रात को मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ मल्टीविटामिन, क्योंकि मल्टीविटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बट नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग या नाइट में मल्टीविटामिन लेना फीजिबल नहीं है तो लंच के बाद मल्टीविटामिन लेना एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है, क्योंकि तब बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और न्यूट्रिएंट भी बेटर अब्सॉर्ब होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीविटामिन्स लेना जरूरी है या आपके लाइफस्टाइल और डाइट पे डिपेंड करता है।
अगर आपको लगता है कि आप अपनी डाइट से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे तो मल्टीविटामिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बिजी प्रोफेशनल जो अपनी हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से प्रॉपर मील्स नहीं ले पाता, उनके लिए मल्टीविटामिन एक अच्छा ऑप्शन है। ये दिन भर के न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं और आपके ओवरऑल वेलबींग में इम्प्रूवमेंट मिलती है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करना स्मार्ट नहीं है, पहले अपने बॉडी के नीड्स को समझो और फिर डिसाइड करो कि आपको मल्टीविटामिन लेना है या नहीं। चाहे आप सुबह मल्टीविटामिन लो या रात को, एक चीज जरूरी है, कंसिस्टेंसी। मेक श्योर कि डेली एक ही टाइम पे आप मल्टीविटामिन लो। जब आप रेगुलरली मल्टीविटामिन लोगे तब आपके बॉडी को बेनिफिट्स दिखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।